वेलकम बैक टू ई टेक। फोटोग्राफी तो सभी करते हैं, कुछ लोग अच्छी करते हैं और कुछ लोग बुरी, कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं और कुछ एमेच्योर्स। आज हम मिलेंगे टप्पू जवेरी से, जो कि पाकिस्तान के लीडिंग फोटोग्राफर, और वो हमें बताएंगे अपने फोटोग्राफ के पीछे छुपी टेक्नोलॉजी इन ई हाउ। बचपन से मेरी तस्वीरों का देखें तो फिर क्या होगा कि शुरू का काम जो था वो सब पेपर पे और नेगेटिव पे था, उसके अलावा डार्क रूम का काम था, और फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया उसके अंदर कि डिजिटल मटेरियल आ गया, और फिर डार्क रूम का काम ख़त्म हो गया तकरीबन। आजकल तो पाकिस्तान में आपको वो भी नहीं मिलता, ब्लैक एंड वाइट के लिए पेपर भी नहीं मिलता और फिल्म भी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो आपने अगर कुछ अगर ट्रू फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको बहुत दिक्कत करनी पड़ती है। एक टाइम पे बहुत लोग हमारे जो बड़े मशहूर फिल्म स्टार्स थे वो मरने लग गए। मुनव्वर ज़रीफ़ मर गया था, और उस टाइम पे मैंने बोला कि मैंने क्यों नहीं उसकी तस्वीर ली, और मुझे बहुत अफसोस पड़ा था कि मैंने इतना बड़ा हमारा लेजेंडरी फिल्म स्टार था और मैंने उसकी तस्वीरें नहीं ली। तो उसके बाद मुझे वो ड्राइव मिल गया कि जाके सबकी तस्वीरें लें, तो फिर उसके बाद रानी की तस्वीरें, मैडम नूरजहान की, सबकी तस्वीरें जमा की। इसमें क्या हो गया कि अगर अभी अगर मैं किसी से पूछूं तो हमें बहुत कम लोग जानते हैं रानी कौन थी या मुनव्वर ज़रीफ़ कौन थे। अगर वो टीवी देखते हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बट उनकी नॉलेज में जो नए जो जनरेशन, उसके नॉलेज में जो पास्ट हमारा है, हिस्ट्री है, उसकी आर्काइविंग है नहीं और इसकी अप्रिशिएशन भी नहीं है। वो ज़माना था जब आपके पास 36 थे, और 36 के अंदर आपको नहीं मिला तो फिर फिटिंग, बट अब तो आपके पास हज़ारों तस्वीरें ले सकते हैं। तो ये आदत है कि लोग जो ना वो सोचते नहीं हैं, तस्वीर ले लेते हैं। दिस इज़ बुरा, ये अच्छा भी है। अच्छा ये है कि आपने पहले तो एक्सीडेंट वाली तस्वीर का चांस नहीं होता था, कम होता था। अब एक्सीडेंटल जो हिट होती है ना वो भी हो सकती है, कि आपने अगर तस्वीर को समझ भी नहीं आ रहे, आपने क्लिक कर लिया और सोचा भी नहीं, और वो एक्सीडेंट भी कभी कभी आर्ट पाया, फाइन आर्ट हो जाता है या बहुत अच्छा तस्वीर हो जाती है। अगर आप फैशन में देखें, फैशन तो वैसे भी झूठ था। अगर आप शुरू से देखें, फैशन इज़ योर सेलिंग अ लाई। ओके, जो आप कपड़े देखते हैं आपको बड़े अच्छे लगते हैं मैगजीन में, वो असली में है नहीं। वैसे मॉडल्स इतनी दुबली नहीं है, उनका भी थोड़ा सा इतना उसकी फ़ोटोशॉप की इतनी अहमियत हो गई फैशन के अंदर, विच इज़ परफेक्टली ओके, बिकॉज फैशन इट इज़ सेलिंग एन इमेज, सो द इमेज कैन बी मैनिपुलेटेड एंड यू ओनली टॉकिंग अबाउट द एंड प्रोडक्ट। बट रहा के फोटो जर्नलिज्म में आप ट्रूथ बेच रहे हैं, आप इमेज नहीं बेच रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये गुर्बत है, ये हो रहा है सैलाब, लोगों सैलाब में ये हो रहा है। अगर आप उसमें मैनिपुलेशन कर लें और मैं मीरा को काट के लगा दूँ सैलाब के अंदर, ये तो झूठ होगा ना। तो आई नीड टू बी ट्रू टू दैट, एंड मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। फोटोशॉप आपने फैशन में डालना है, आप पागलों की तरह डाल दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मोटी से मोटी औरत को ट्विगी बनाना है, आपकी मर्जी है, वो तो आप पे है। बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ फोटोग्राफी, आप बड़ी सोच समझ के ये काम करें, इसलिए ये गलत काम है। अगर आपको जो लेंस आपको लेना है वो डिटर्मन होना चाहिए आपके जो काम कर रहे हैं उससे। तो अगर आप क्राउडेड इलाके में जा रहे हैं और आपको तस्वीर लेनी है जिसमें ज़्यादा एक्सपेंस आना है, तो आप वाइड एंगल लेके जाएं। अगर आपको मालूम है कि आपका सब्जेक्ट दूर होगा तो फिर आप जूम लेंस लेके जाएं। अगर आपको कुछ नहीं मालूम तो फिर ऐसा लेंस लेके जाएं जो तकरीबन 17-55 है, तो आपके तकरीबन मिड रेंज कवर्ड है। अगर इससे ऊपर जाना है तो फिर आप 18-200 का भी एक आता है, वो लेके जा सकते हैं। टाइम रखें जिसमें आपने अपने जूम वूम छोड़ के वापस नॉर्मल 50 mm पर आके आप फिर से प्रैक्टिस करें। तो ये मेरे एक ट्रेनिंग होता है कि अपने हर 2-3 महीने बाद दूसरे सारे लेंस बंद कर लेता हूँ, 50 mm रख के फिर से अपने खुद को गियर में लाता हूँ। अगर आपने उमदा तस्वीरें लेनी है तो आपने काम करना है, माने आपने जाना है। कभी कभी अपने खुद को टेस्ट करें, ये आसान चीज़ें हैं कि आपने बोला है कि ये मेरे कैमरा में मैं 3000 तस्वीरें ले सकता हूँ, ऐसे एक दिन कर लें कि आप एक छोटा सा पुराना कार्ड लगाएं, 50 mm के साथ काम करो,
और छोटे से ये मेमोरी कार्ड रखें कि आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में ये भी होता था, अब हम भी ये इधर से सीख सकते हैं और फिर आगे जाके हम जो भी करना चाहें।